नमस्ते, वंदे मातरम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आज के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का मैं निधि त्रिपाठी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस फेसबुक पेज पर राष्ट्रीय आंदोलनों में अभाव्य कल, आज और कल इस विषय पर हम सभी वृहद रूप से चर्चा करेंगे। कोविड-19 की यह जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके पश्चात भारत में तालाबंदी होने के पश्चात प्रथम दिवस से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सेवा कार्य में संलग्न है और फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन, राशन लोगों तक पहुंचाने की बात हो, जरूरतमंद लोगों तक, जो महिलाएं हैं उनको सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, मास्क सैनिटाइजर आदि का वितरण करना हो, प्रथम दिवस से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कार्य में लगा हुआ है। और साथ ही समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के साथ में मिल करके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ऐसे इस विषय पर लाइव हो रहा है। और आज हमसे इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को, श्रोतों को शुभकामनाएं। इसलिए अभी सुश्री निधि त्रिपाठी जी ने इस संकट के बारे में बताते हुए समाज से इस संकट में त्रस्त लोगों के सेवा करते हुए एक राष्ट्रीय कार्य में वो कैसे लगे हुए हैं इसके उन्होंने बताया। इस संकट से हम सभी, पूरा राष्ट्र और सारी मानवता इससे मुक्त हो जाए, इसी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ कुछ विचार आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वर्तमान कार्यकर्ताओं को विषय के बारे में चर्चा करने के सुझाव इसलिए वो साधुवाद के लिए पात्र हैं। मैं जिस संगठन में काम किया है मुझे उन्होंने बुलाया इसलिए धन्यवाद देना या औपचारिक होगा इसलिए मैं धन्यवाद तो नहीं देता हूं, लेकिन मेरे जो खुशी है इस विषय पर बहुत समय के बाद मैं आप लोगों के सम्मुख का कुछ विचार रखने के लिए मुझे अवसर मिला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात यानी स्वतंत्र भारत में जन्मे संगठन है। वैसे देखा है तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वाधीनता संग्राम में भारत के विद्यार्थियों के बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश के उस समय जो महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र थे उन्होंने एक देश के कर्तव्य के नाते, राष्ट्रीय कर्तव्य के नाते ने स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आयामों में अपने आप को जोड़ दिया था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस या उसके पहले कई क्रांतिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने को इस संग्राम में जोड़कर देश के लिए प्राणाहुति देने तक का उन्होंने कार्य किया। उन्हीं दिनों में कुछ छात्र संगठन भी प्रारंभ हुए थे, लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद चुनौती अलग थी। स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह भी किए, क्रांतिकारी भी किए, एक सामने जो लक्ष्य था वो देश करने का, देश को आजाद करने के एक लक्ष्य था। लेकिन स्वतंत्र भारत होते ही देश के सामने जो लक्ष्य है वो बदल गया। अब देश के पुनर्निर्माण का कार्य करना यह आवश्यक था, देशभक्ति का एक नया अर्थ सामने लाना यह आवश्यक था, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना, सत्याग्रह करना या गोली चलाना, क्रांतिकारी काम में, विप्लवकारी कार्य में अपने आप को जोड़ना यह देशभक्ति कहलाती थी, वो स्वाभाविक भी था। लेकिन अब देशभक्ति का एक नवीन अर्थ देश के सामने रखने का एक बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता थी। तो उन्हीं दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। तो विद्यार्थी परिषद पहले दिन से अपने आप को राष्ट्रीय
लिए हम एक परिवर्तन लाकर वह छात्रों के एक आंदोलन खड़ा, ये हमारा उद्देश्य है, ऐसे घोषित कर दिया। संगठन वामपंथी विचार के अपने देश में कार्यरत थे ही, इन्हें एक राष्ट्रीय विचार को लेकर, भारतीय विचार को लेकर, भारत के मिट्टी में जिसके अधिष्ठान है, ऐसे एक वैचारिक आंदोलन को विश्वविद्यालय के परिसरों में और विद्यार्थियों को अब देशभक्ति के विभिन्न आयामों में उनकी शक्ति को, छात्र शक्ति को संचालित करना, यह विद्यार्थी परिषद ने अपने एक तो विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज मैं कहूंगा कि विश्व के सबसे बड़ा छात्र संगठन है। सदस्यता के दृष्टि से, कार्य के आयामों के दृष्टि से, प्रभाव के दृष्टि से, हर विषय में यदि हम तो सबसे बड़ा छात्र संगठन है। 1948-49 में जो प्रारंभ हुआ, 48 में कार्य प्रारंभ हुआ, 49 में इसका पंजीकरण हुआ, हम सब जानते ही है। तब से लेकर अब तक का लगा एक हम फ्लोटिंग पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बदलता जाता है, पानी बदलता है लेकिन नदी वही है। ऐसे विद्यार्थी परिषद में जो छात्र प्रवाह है यह बदलता है, परंतु ऐसे विद्यार्थी परिषद लगातार कभी उसके, क्योंकि चढ़ाव हमेशा रहा है। मैं जब कह रहा हूं केवल भावनात्मक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, तो विद्यार्थी परिषद के एक अनोखा छात्र संघ दुनिया में छात्र आंदोलन हुए, छात्र आंदोलन इस प्रकार के हुए, देश के मुक्ति के लिए स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ऐसे विश्व के अन्य अन्य देशों में स्वतंत्रता संग्राम में वहां वहां के विद्यार्थी भाग लिए हैं। वो अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी के साथ अफ्रीकन यूथ कांग्रेस काम किया होगा, या वियतनाम में किए होंगे, इंडोनेशिया में किए होंगे, ऐसे दुनिया के अन्य अन्य देशों में छात्र शक्ति का प्रकटीकरण हुआ है। परंतु हम देखते हैं कि वो स्थायी संगठन के रूप में राष्ट्र के पुनर्निर्माण में लगे हैं, वो कम दिखाई दे। विद्यालयों में छात्र संघ जो चुनाव होकर प्रतिनिधि आते हैं वो उसका कार्य, छात्र संघ तो दुनिया के भी, लेकिन छात्र संगठन के नाते पूरे देश ऐसे राष्ट्र के निर्माण के कार्य में लगे हैं। कई आंदोलन हुए दुनिया में और उस इतने प्रभाव रहा कि छात्रों के आंदोलन के कारण सत्ता पलट गए, सत्ताधारी को अपने स्थान से देकर वो नीचे आना पड़ा। ऐसे छात्र आंदोलन दुनिया में हुए हैं, किसी एक मुद्दे को लेकर फॉर सम स्टूडेंट मूवमेंट्स, बट दे डिड नॉट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट फॉर द सोशल चेंज वेयर स्टूडेंट पावर कैन कंट्रीब्यूट। ये जो विशेषता है, इसलिए एबीवीपी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इन दैट एक विशेषता होती है छात्रों के डिमांड को लेकर आंदोलन करना, एक सेक्टर के विद्यार्थी परिषद ट्रेड यूनियन मूवमेंट बनाने के लिए विद्यार्थी क्षेत्र में काम नहीं किया। परिषद ने पहले दिन से कहा अधिष्ठान है, आइडियोलॉजिकल बेसिस है हमारे लिए, वो है वे में रचनात्मक दृष्टि से देश के निर्माण में छात्र शक्ति को संचालित करना, लगाना, टू चैनलाइज द स्टूडेंट पावर फॉर कंस्ट्रक्टिव नेशन बिल्डिंग मूवमेंट।
उसके साथ साथ विद्यार्थी परिषद ने और भी एक विचार रखा। विद्यार्थी परिषद के एक वैचारिक दर्शन जो है, इसमें एजुकेशन फैमिली के, एकेडमिक कम्युनिटी एज ए फैमिली, शैक्षिक परिवार के विचार रखा। और तीसरा है, हम पार्टी एंड पॉलिटिकल पावर से ऊपर रहकर काम करेंगे, अबव पार्टीजन पॉलिटिक्स। एक छात्र दर्शन, छात्र संगठन के दर्शन है, फिलोसफी ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसे का विचार को विद्यार्थी ने रखा। परिषद ने और एक विचार के दृष्टि से यदि तो विद्यार्थी परिषद का विचार रहा है, स्टूडेंट इज सिटीजन ऑफ टुडे, छात्र आज का नागरिक है। इसलिए छात्र की भूमिका दो होती है, एक छात्र के नाते, एक अध्ययनरत विश्वविद्यालय के युवा अपने ज्ञान अर्जन करते हुए अपने को तैयार कर रहा और देश के लिए मैं कैसे योगदान कर सकता हूँ, इसके लिए विद्यार्थी छात्र के नाते उसकी एक भूमिका है, और छात्र के नाते उसको शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय रहकर उस शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाने का एक प्रयास उनको करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम द अदर डायमेंशन ऑफ द स्टूडेंट इज दैट ही इज ऑल्सो यंग सिटीजन, ही इज नॉट एन अर्चिन, वो छोटा बालक नहीं है, वो युवा है, तो इसलिए उसको देश दुनिया में क्या होता है वो समझ सकता है। He has an opinion. He can express his opinion, and they should express their opinion. मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, अपने देश में चाणक्य के जमाने में उन्होंने मगध राज्य में नंद राजाओं के जो इस प्रकार के दमन और भ्रष्ट व्यवस्था थी उसके विरुद्ध में चाणक्य ने उस समय के विद्यार्थी शक्ति को संगठित करते हुए आवाज उठाया। टीचर एंड स्टूडेंट्स दे केम फॉरवर्ड टू लीड द सोसाइटी, तो उसका परिणाम क्या हुआ इतिहास में वो दर्ज है। नागरिक भूमिका भी है उस नहीं है, दे आर नेशंस के विरुद्ध तो से समाज के सम्मुख तो इसने एजुकेशन चलित किया। आज आर्टिकल 70 संविधान निष्प्रभाव करवा दिया गया, पिछले संसद के अधिवेशन में ये कार्य हुआ, लेकिन विद्यार्थी परिषद के 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने इस विषय के लिए लगातार आंदोलन चलाया। देश के कोने कोने में धारा 370 के हटाने के बारे में और कश्मीर के घाटी में वहां के हिंदू पंडितों को निकाले, जब देश के अंदर ही उन्होंने अपने घर खोकर निर्वासित रिफ्यूजी हो गए, उनके समर्थन में खड़े होकर कश्मीर को बचाने के लिए विद्यार्थी परिषद के 3 पीढ़ी के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है। वैसे ही चिकन नेक वहां गया, इसमें विद्यार्थी परिषद के लगातार उस आंदोलन को, घुसपैठी के खिलाफ एक आंदोलन हुआ।
कैंपस में समाज भंजक राष्ट्र विरोधी नक्सलाइट कम्युनिस्ट विचार के लोग जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, राष्ट्र की एकता चुनौती के रूप में खड़े होते हैं। विद्यार्थी परिषद के जो योगदान और उपलब्धि दोनों है, उपलब्धि इस दृष्टि से, संगठनात्मक दृष्टि से रियल एंड यूनिक नेशन वाइड नेटवर्क इन ऑल कॉर्नर्स। विद्यार्थी परिषद एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन होते हुए भी इसको किया और कवरिंग ऑल सेक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ ऑल फैकल्टीज और विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को, सैकड़ों लोगों को उसने तैयार किया देश की सेवा के लिए। जिन लोगों ने विद्यार्थी परिषद में कार्य प्रारंभ करके अपने जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया, ऐसे लोगों को विद्यार्थी परिषद ने समाज के लिए दिया। और विद्यार्थी परिषद के कार्य में, जैसे मैंने कहा, राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रजातंत्र के लिए, राष्ट्रीय समृद्धि के लिए स्वदेशी का कार्य, इन सारे विषयों में विद्यार्थी परिषद ने एक आदर्श छात्र आंदोलन को खड़ा किया। विद्यार्थी परिषद के आयामों में स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट जैसे मंच हो, एग्रीविजन मेडिविजन जैसे मंच हो, थिंक इंडिया जैसे एक प्रयास हो, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग जैसे राष्ट्रीय एकात्मता के काम हो, मिशन साहसी जैसे छात्राओं के, गर्ल्स स्टूडेंट्स की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए उनको तैयार करने का एक बड़ा व्यापक अभियान हो, या जल संरक्षण के विषय हो, कैंपस कल्चर के विषय हो, कैंपस टू कम्युनिटी के जैसे हो, विभिन्न प्रकार के आयाम, जैसे मैंने पहले ही कहा, शायद ही विश्व के किसी भी छात्र संगठन इतने प्रकार के आयामों में विद्यार्थियों की शक्ति को सामाजिक जीवन में लगाने का प्रयत्न किया है। इसलिए छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में विद्यार्थी परिषद ने किया। लेकिन विद्यार्थी परिषद के इन सारे प्रयासों के कारण आज हम जब देश के सामने खड़े हैं, तो आगे विद्यार्थी जीवन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जो आज का विषय कल आज और कल इस विषय में है। देश के संकट में हर बार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र समुदाय को उस संकट के सामने एक मजबूती से संघर्ष करने के लिए तैयार किया। विद्यार्थी परिषद के एक बहुत बड़ी भूमिका आज जो है, आने वाले दिनों में राष्ट्र के एकता और एकात्मता को विश्वविद्यालय के परिसरों में और मजबूत करने के लिए उसको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि देश तोड़ने के लिए बहुत सारे शक्तियां देश के अंदर और बाहर है, और विद्यार्थियों को भी उस प्रकार से एक गलत रास्ते पर ले जाने वाली ताकतें हैं। इसका अनुभव पिछले 10 वर्षों में अधिक हम लोगों ने किया ही है। एक बौद्धिक चुनौती है राष्ट्र के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में जो नैरेटिव लोगों ने देश के और देश के अंदर बाहर किए हैं, उस नैरेटिव को बदलने के एक बौद्धिक चुनौती को भी स्वीकार करना पड़ेगा विद्यार्थी शक्ति को। इसलिए भारत क्या है, भारत के बोध, भारत के मूल्य, भारत की अस्मिता, इसलिए भारत को भारतीय रूप में खड़ा करने के जो प्रयत्न करना चाहिए, ऐसे एक वैचारिक बौद्धिक चुनौती को भी विद्यार्थी परिषद स्वीकार करके इस विषय में छात्र समुदाय को एक सशक्त भारतीय चिंतन के आधार पर खड़ा करने का प्रयत्न आने वाले दिनों में भी करना है। विद्यार्थियों की आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, कोई भी अच्छा जीवन चाहता है, इसलिए एक आनंदमयी सार्थक सफल जीवन को विद्यार्थी जी सके, वो जब कैंपस के जीवन में रहता है उस समय भी उसका जीवन आनंदमयी हो, सार्थक हो, जीवन में स्मरण रखने वाले ऐसे समाज के लिए कार्य किया मैंने और मेरे जीवन अच्छा हुआ यह उनको मिले। इसलिए विद्यार्थी के कैंपस लाइफ शुड बी मीनिंगफुल एंड ए हैप्पी लाइफ, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी अ फुल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट टू सोसाइटी एंड नेशन। इसलिए उस प्रकार से छात्र शक्ति को एक प्रखर वैचारिक अधिष्ठान
वर्तमान के जो एहसास उनको रहे, भविष्य के सपने को देखने वाले ऐसे युवाओं को कैंपस में खड़ा करना, यह विद्यार्थी परिषद के कल के एक भविष्य के दृष्टि से सोचना है। बहुत सारे आयामों को विद्यार्थी परिषद ने खोला है, इन सारे आयामों में और अधिक लोगों को जोड़ने के, सामाजिक संवेदना, सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल कंपैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए विद्यार्थियों को और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में तैयार करने के लिए विभिन्न आयामों को उसको खोलना पड़ेगा। क्योंकि आज विद्यार्थी सामाजिक आर्थिक जीवन के दृष्टि से सोचता है, तो इसलिए उसको उस दृष्टि से तैयार करना है। सामाजिक परिवर्तन की एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने देश में, आज भी बहुत बड़े जो समुदाय है समाज में, वो एम्पावरमेंट के लिए वो प्रयत्न कर रहा है, उसके आकांक्षा है। इसलिए उस समुदाय के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय जीवन के मुख्य प्रवाह में लाने का प्रयत्न भी विद्यार्थी परिषद को करना चाहिए। तो इसलिए एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थी परिषद ने कई आयामों को जैसे अभी खोला है उसको और मजबूत करना और नई नई चीजों को देखना, यह करना ही पड़ेगा। और एक मैं आकांक्षा मेरे तरफ से रखता हूँ विद्यार्थी परिषद, विश्व के सामने ऐसे एक छात्र आंदोलन के नमूना और एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है। आज व्हाट इज द डेवलपमेंट मॉडल, किस प्रकार के जीवन आज चाहिए, तो इसलिए का सांस्कृतिक धरोहर के आधार पर आधुनिक काल के युवा शक्ति को एक आत्मविश्वास से, राष्ट्रीयता से युक्त ऐसे विद्यार्थी शक्ति को खड़ा करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयामों को हमें खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और आज के जो विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व है वह इसके लिए समर्थ है, ऐसे मेरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के कार्य भी किया है। तो इसलिए मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे कुछ प्रस्ताविक बात जो थी, बीच में कुछ व्यवधान आया तांत्रिक कारणों से, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो मेरे कथन को यहां समाप्त करता हूं और अभी चर्चा शुरू कर सकते हैं थोड़ा समय के लिए। तो मैं आज इस कार्यक्रम में सहभागी हुए सभी का धन्यवाद देता हूं। और कार्यक्रम में तंत्र ज्ञान के कुछ गड़बड़ियों के कारण हम जिस प्रकार करना चाहते थे नहीं किए। विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। और मैं विद्यार्थी परिषद से ही समाज कार्य में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ और इस कार्य को जीवन के एक संकल्प लेकर इसी कार्य को जीवन भर करने के लिए मैंने जो निर्णय लिया वो विद्यार्थी परिषद के आंगन में लिया। और मैं चाहता हूँ हजारों विद्यार्थी अपने जीवन में विद्यार्थी परिषद से इसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र के और मानवता के कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे, यही विश्वास है। और आने वाले दिनों में विद्यार्थी परिषद नए नए आयामों से, नए नए शक्तियों के साथ राष्ट्र के कल्याणकारी शक्ति के रूप में छात्र शक्ति या राष्ट्र शक्ति इस विचार को सार्थक करने में आगे बढ़ेगी, यह मेरा विश्वास है। नमस्कार।
ये जो अर्बन नक्सल बताते हैं 1969-70 में ही ये लोग शुरू कर दिए थे, इतना ही है, जंगलों में लड़ते थे, अब सिविक सोसाइटी एनजीओ इसको भी लेकर वो कर रहे हैं। लेकिन उनके सपोर्ट करने के लिए, जंगल में और उनके रहने वालों को सपोर्ट करने के लिए विश्वविद्यालयों में, न्यायालय में, लिटरेचर में, मीडिया में, उन दिनों में भी वो लोग एक्टिव थे ही। तो इसलिए अर्बन नक्सल जो है इसके बीजांकुर पहले ही हुआ है, उसका नाम अभी आया है, ये पहले से ही ऐसे करते रहे। नया आयाम केवल गुरुकुल शिक्षा से आएगा ऐसे नहीं है, गुरुकुल के भावना को रखने चाहिए, लेकिन आधुनिक युग में जैसे आवश्यक है वो करना पड़ेगा।